तो फाइनली एनटीपीसी की जो है वो फॉर्म आ चुकी है, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो है वो यहाँ पे 10-15% रिजर्वेशन रहती है। तो उस रिजर्वेशन को अवेल करने के लिए आपके पास एक वैलिड एससी या फिर एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ये जो एनटीपीसी की आई है ग्रेजुएट लेवल की, यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल की, उसकी बात कर रहा हूँ यूजी लेवल की, सॉरी ग्रेजुएट लेवल की। तो यहाँ पे जो है वो अगर आप जो है वो इसकी बात करूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो गाइडलाइंस है तो आपको अपना फॉर्म जो है वो इस लास्ट डेट से पहले फिलअप कर लेना है, और कोशिश करनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले बना हुआ हो। ओके, तो आप जो है वो इस बात को ध्यान रखना कि आपका सर्टिफिकेट बहुत बहुत पुराना ना हो। ऐसा नहीं है कि 5 साल 7 साल पुराना सर्टिफिकेट आप दे रहे हो जो आपने 10th और 11th के समय बनवाया था, वैसा मत करना। और ऐसा भी नहीं करो कि आप जस्ट जो सर्टिफिकेट फिलअप कर दिया है और CBT 1 का इंतजार कर रहे हैं कि CBT 1 में अगर क्वालिफाई हो जाऊंगा तो फिर मैं SC ST सर्टिफिकेट बनवाऊंगा, ऐसा मत करो। ओके, आप जो है वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो SC ST के लिए, अगर पहले से है तो एक बार फॉर्मेट उसका मैच कर लेना कि क्या वो फॉर्मेट मैच कर रहा है या नहीं। ओके, सो फॉर्मेट जो है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगा कि कैसा फॉर्मेट होता है। लेकिन SC ST के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें बस यही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फॉर्मेट है उससे मैच करनी चाहिए, और आपका आपके पास जो है वो एक बस वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ये वाला क्लॉज आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके, एक चीज़ इसमें लिखी गई हुई है कि आप SC या फिर ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो UR से भी आप सीट ले सकते हो। ओके, मीन्स आप एलिजिबल हो SC ST प्लस UR की सीट के लिए भी। ओके, तो इसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसी फॉर्मेट पे आपका जो है वो जैसा सर्टिफिकेट है वो अगर आपका बना रहेगा तो कोई भी आपको इशू नहीं होगी। जैसे ये तो EWS की हो गई, और एक मिनट मैं इसको ऊपर में ज़रा देख लेता हूँ, क्योंकि तीन या ये हो गए NXR 3, ये NXR 2 है, NXR 1 देख लेता हूँ। NXR 1 में आई होप सो कि होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। यस, NXR 1। तो ये जो NXR 1 है तो देखो ये जो है वो 2-3 पेज में दी गई हुई है, तो ऐसा नहीं है, ये जो है वो एक पेज में भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा तो भी चलेगा। जैसे मैं आपको एक दिखा दूं सर्टिफिकेट, वो एक पेज में ही है, तो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफिस से बन के आएगा वो एक पेज में भी रहेगा तो चलेगा। जैसे ये वाला आप देखोगे तो ये इसमें थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया हुआ है, लेकिन एक पेज में ही सब कुछ एडजस्ट है। तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो SC या फिर ST का एक पेज में ही बना रहेगा। एक कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे लिया भी हुआ है आपको जस्ट सैम्पल दिखाने के लिए, तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट भी आपका रह सकता है। अब SC में क्या होती है कि ST की चीज़ें नहीं होती है, ST में SC की चीज़ें नहीं होती है। तो अगर आपके पास भी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, आप जो है उसका फॉर्मेट चेक कर लो। ये जो फॉर्मेट दिया गया हुआ है ना, इस फॉर्मेट पे आप देख लो कि आपका सर्टिफिकेट है या नहीं NXR 1 का। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप NTPC की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सर्टिफिकेट बनता है, तो उस केस में आप जो है वो मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वीडियो आप देख लेना। वहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि सर्टिफिकेट कैसे बनवाना होता है और आप जो है वो कहाँ से सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और एक बात का ध्यान रखना कि ये जो सर्टिफिकेट है ये लास्ट डेट से पहले बनवा लो। ऐसा नहीं कि करना कि CBT 1 वाला जो खेल है ना, कि CBT 1 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा उसके बाद में बनवाऊंगा, फिर जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है और आप रिजेक्ट भी हो सकते हो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स का जो है वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होने के कारण उन्हें रिजेक्ट भी किया जाता है। तो आप जो है वो इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं बस सर्टिफिकेट ले लूँगा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो कुछ बात समझ में आई होगी, एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
आरआरबी एनटीपीसी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप जो है वो टेस्ट बुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और टेस्ट बुक की जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप जो है वो इसकी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं तो आपको यहाँ पे आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो इसे फ़ोन में भी अपने जो वो टेस्ट बुक ऐप अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अराउंड 1000 प्लस जो है वो टोटल टेस्ट है, और इसमें CBT 1 और CBT 2 दोनों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। साथ ही रेलवे की जितनी एग्जामिनेशंस होती हैं और SSC की एग्जामिनेशंस होती है उन सभी के लिए यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि मॉक टेस्ट है और प्रीवियस ईयर दोनों का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मॉक टेस्ट है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सेक्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पे जो है वो पास्ट ईयर पेपर्स 164 है, और यहाँ पे 2022, 2016 और 2020 और 2021 चार साल के पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप जो है वो इन सभी की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही जो है वो अच्छा आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है। और यहाँ पे जो है वो टोटल स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हेल्दी कंपटीशन आप यहाँ पे फेस कर पाओगे, जो कि 6 लाख अराउंड स्टूडेंट्स हैं, और बहुत ही जल्दी जो है ये 7 लाख और 10 लाख भी हो जाएंगे। ओके, मीन्स यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ही रिलाई करते हैं, और आप जितने भी स्टूडेंट्स जो जिनका NTPC निकलता है या फिर आपने ग्रुप डी देखोगे कि निकला हुआ है, वो सभी जो है वो टेस्ट बुक से अपनी प्रिपरेशन करते ही हैं। तो आप जो है वो इससे अपनी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो देखो इसकी प्राइसिंग जो है वो डिटेल्स वेरी करते रहती है। आप जो है इसका 3 ईयर्स वाला पास परचेज कर सकते हो, 649 इसकी प्राइसिंग है, 3 साल के लिए आपको 649। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा, जिस कूपन कोड को आप अप्लाई करोगे तो और भी प्राइस कम हो जाएगी। ये जो कूपन कोड है ये है JBYY16। इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर दोगे तो और भी जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। तो ये जो 650 रुपये है वो घट के और भी कम में आपको मिल जाएगा। और 1 ईयर वाला मत लेना, ये जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, स्टूडेंट्स 1 ईयर वाला कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन क्या होती है कि NTPC या फिर रेलवे की एग्जामिनेशन यूजुअली डिले चलते रहती है, तो आप जो है वो सोचोगे कि मेरा सब कुछ 1 साल में हो जाएगा, तो वो बहुत ही रेयर होता है। ओके, सो आप जो है वो इसमें थोड़ा टाइम लेके आपको चलना पड़ेगा। तो आप जो है वो इस कूपन कोड को अप्लाई करके अपना जो है वो पास भी परचेस कर सकते हो, और प्रिपरेशन अच्छे से करो ताकि आपकी जो है वो सिलेक्शन की चांसेस बने। और देखो यहाँ पे जो है वो आपको सब कुछ की प्रैक्टिस मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है वो आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा, CBT 1 के लिए फुल टेस्ट भी है, अभी लूसेंट का जो GK है उसकी भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाएगी, और चैप्टर वाइज टेस्ट ये सभी तो होते ही रहती है। ओके, सो आई होप कि आप जो है वो इसको एक बार कंसिडर करोगे। और अगर आप चाहते हो कि फ्री में कुछ टेस्ट देना तो आप जो है वो 10 टेस्ट फ्री में यहाँ पे दे सकते हो। सो एक बार टेस्ट बुक आपको जरूर डाउनलोड करें, और इसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।